बिहार में कई साल पहले एक पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी और अब सिंचाई के लिए पानी लाने वाले लौंगी भुइया की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी। आज मैं बताने जा रही हूँ मध्य प्रदेश की उन बहु बेटियों के बारे में जिन्होंने पहाड़ काटकर नहर बना डाली। यह कहानी है उनकी बेमिसाल इच्छा शक्ति की, जो गाँव की प्यास बुझाने के लिए खुद भागीरथी बन गई। स्वयं फावड़ा और कुदाल उठाकर एक पहाड़ी को काट डाला और अपने गांव में ऐसी जलधारा ले आई जो गांव की प्यास बुझाने के साथ साथ विकास के लिए भी बेहद जरूरी थी। अपने इस भागीरथी प्रयास में बहुत कुछ गंवाकर इन बेटियों ने गांव के तालाब को पानी से लबालब भर दिया है। मध्य प्रदेश में छतरपुर के अगरौठा गाँव में सिंचाई और जानवरों के पीने के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। बुंदेलखंड पैकेज के तहत अगरौठा गांव में तालाब तो बन गया था, लेकिन तालाब भरने के लिए पानी नहीं था, जिससे परेशान गांव की महिलाओं ने निर्णय लिया कि वो अब सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगी और नहर से तालाब तक पानी लाने का बीड़ा उठाया। इसके बाद गांव की करीब 250 महिलाओं ने एक पहाड़ी को काटकर छोटी सी नहर बनाने का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने पानी पंचायत समिति बनाई और काम शुरू कर दिया। उन्होंने 18 महीने तक लगातार काम किया। जल सहेलियों के नाम से अपनी अलग पहचान बनाने वाली इन महिलाओं को इस काम के बदले कुछ नहीं मिलता था। इसके बावजूद ये महिलाएं अपनी नियमित मजदूरी का काम छोड़कर यह काम करती थी। जिस दिन ये महिलाएं यहाँ काम करती थी, उन्हें उस दिन की अपनी मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ता था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार गांव के तालाब तक नहर का पानी पहुंचाने का इनका सपना साकार हुआ। यह बात बिल्कुल सही है कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता।